अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, बड़ी बरकतों वाला, बड़ी रहमतों वाला, बड़ी फजीलतों वाला। बेशुमार फजीलतें हैं इस महीने में, बेशुमार बरकतें हैं इस महीने में। जितना चाहे सवाब कमा लें। पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, दूसरा अशरा चल रहा है। तो इस महीने में जितना चाहे आप सवाब कमाएं, जितना चाहे नेकियां कमाएं, बेशुमार फजीलतें हैं, बेशुमार बरकतें हैं। अल्लाह ताला ने समझ लिया इस महीने जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है और शैतान को कैद कर देता है, ताकि इंसान मेरे बंदे को कोई भटका ना सके और वो इबादत में मुब्तला हो जाए। तो हम सब ये जानते हैं ये बात। आज हम दिया क्या बोलते हैं आप लोगों को एक दुआ बताएंगी, बहुत प्यारी दुआ है, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ है। जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं उसकी दुआ। तो चलिए आइए पहले हम लोग दुआ सुनते हैं, फिर बात करते हैं। बहुत अच्छी से दुआ बताने जा रही हूँ, मैं न्यू वीडियो के साथ आ सकूँ, न्यू दुआ के साथ तालीम बहुत अच्छी से दुआ बताने जा रही हूँ। मस्जिद से बाहर निकलने की, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को मस्जिद जाने की बताई थी, अभी मस्जिद से बाहर निकलने की बता रही हूँ आप लोगों को। तो वो दुआ बहुत ईजी, छोटी सी भी वन लाइन में आपको 3 times पढ़ने की लर्न हो जाएगी। बहुत छोटी सी उसका ट्रायल लिखी मैं बताऊँगी अपनी उसकी इंग्लिश मायने। तो चलिए पहले मैं दुआ बता देती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك من فضلك، آپ لوگ چاہیں تو فضلی کا بھی پڑھ سکتے ہیں، فضلک بھی ہے فضلی کا بھی ہے، آپ لوگوں کی چوائس ہے۔ اور چلیے میں آپ لوگوں کو انگلش ٹرالیشن بتا دوں، یعنی کہ انگلش میں او اللہ آئی آسک یو فار یور فیور۔ میں دوبارہ بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے لرن ہو جائے۔ اللهم إني أسألك من فضلك، اینڈ اس کا ٹرالیشن او اللہ I ask you for your favor। तो ये दुआ हमने सुना मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ है। और जब मस्जिद में दाखिल होते हैं उसकी दुआ अलग है। उसकी दुआ मैंने बताई थी, लेकिन इसके साथ फिर से बता दे रहे हैं। मस्जिद में सबसे पहले से सीधे पैर से दाखिल हों और बिस्मिल्लाह करके दाखिल हों और सलाम ज़रूर किया करें। सलाम बहुत बेहतर है और सलाम करना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग मस्जिद के अंदर बैठे होंगे समझिए सबका सवाब मिलेगा आपको। अगर 2, 4, 10, 20, 100, 200 जितने आदमी होंगे तो सलाम करके दाखिल हों और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, नवई तो सुन्नतल एतकाफ। एकदम छोटी सी दुआ है ये मस्जिद के अंदर दाखिल होने की। और बेपनाह बरकतें, बेपनाह फजीलतें हैं। जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे समझ लीजिए आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें और एतकाफ की नीयत हो जाएगी ये। तो ये दुआ का इसका मतलब था। आप लोग इसको खूब पढ़ें, खूब शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले। दूसरी बात, दुआओं की दरखास्त है आप लोगों से कि दुआओं पर खूब ध्यान दें। ये महीना चल रहा है बहुत बरकतों वाला, बहुत फजीलतों वाला, बहुत रहमतों वाला। फिलिस्तीन और गाज़ा के हक में बेहद जितना हो सके दुआ करें। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, समझ लीजिए वहाँ पे तमाम वीडियो वायरल होती रहती हैं सोशल मीडिया जरिए से कि वहाँ खाने पीने की बहुत परेशानी है। जो घर हैं सब पूरा मलबे के ढेर बने हैं, वहीं सोना है, वहीं उठना है, वहीं सब कुछ करना है। आप लोग समझ सकते हैं कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे वो लोग। तो जितना हो सके, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, दुआएँ खूब मांगे। गाज़ा फिलिस्तीन की दुआ दिल खोल के मांगे, खूब मांगे, और पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगे, पूरी अपनी कौम के लिए मांगे, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगे कि यहाँ भी अमन अमान सुकून बरकरार रहे हमेशा, और अच्छे से सब रमज़ान कर लें, सब लोग भाईचारा बना के रहें और अच्छे से सब मिलजुल कर रहें, चाहे कोई भी हो सब मिलजुल कर रहें अच्छे से। तो इस वीडियो के ज़रिए से ये आपको बताने की कोशिश की है। तो रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, बड़ी बरकतों वाला, बड़ी फजीलतों वाला, बड़ी रहमतों वाला। जितना चाहो उसमें नेकी कमा लो आप लोग, जितना चाहो सवाब कमा लें हम भी और आप भी, जितनी चाहे इबादत कर लें अल्लाह को राज़ी करने के लिए।
और आज हम दिया दुआ बताएंगे आप लोग को, एक नहीं दो दुआ बताएंगे। पहली दुआ बताएंगे हम दिया मेरा देखने की दुआ, फिर उसके बाद दूसरी दुआ बताएंगे इंशाल्लाह आप लोग को। और इन दुआओं को भी आप लोग अमल भी करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, दूसरों को शेयर भी करिएगा ताकि सब लोग पढ़ें। जितने लोग पढ़ेंगे जितने लोग अमल करेंगे सबको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के दुआ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये दुआ छोटी सी सुनी मिरर देखने की दुआ। yes. अक्सर हम लोग दिन में कितनी बार भी देखते होंगे, जितनी बार देखते हैं उतनी बार ये दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ नेकियाँ ही मिलेंगी। और अल्लाह ताला से ये भी होगा कि अल्लाह ताला जैसे मेरी सूरत बनाए वैसे मेरी सीरत भी अच्छी बना दे, तो इंशाल्लाह जब आपकी सीरत भी अच्छी हो जाएगी। तो दुआएँ खूब पढ़िए और इसको शेयर भी करिए ताकि जितने लोग पढ़ेंगे सब लोग क्या बोलते हैं सवाब के हकदार होंगे और हम भी सवाब के हकदार होंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो वालों की जो भी राय हो। और अब हम दिया बताएंगे दूसरी दुआ। yes. जब बारिश होती है उस वक्त एक छोटी सी दुआ पढ़ी जाती है, बेपना बरकत है उसकी, बेपना फजीलतें हैं, और इस दुआ को ही पढ़िए जब बारिश होगी। तो चलिए बारिश की दुआ सुनते हैं फिर बात करते हैं। तो बारिश की दुआ भी बहुत छोटी सी ईजी सी भी है, आप लोग उसे लर्न करेंगे क्या मेरे को पता है। बारिश की भी दुआ थी नहीं पता है तो इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी भी ईजी सी भी आप लोग जरूर पढ़ा करिए बारिश में। हम तो चलिए तो वो बारिश की दुआ है अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। मैं दोबारा बताती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया बहुत छोटी सी भी ईजी सी भी है, आप लोगों को मतलब थ्री टाइम्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो हम लोगों ने छोटी सी दुआ सुनी बारिश छोटी सी थी और दोनों दुआ छोटी हैं। बारिश की दुआ ये सुनी जो आप लोगों ने और बहुत फजीलत वाली दुआ है। इंशाल्लाह जितने कतरे गिरते हैं बूंद के उतनी नेकियां इंशाल्लाह मिलने की उम्मीद रहती है अल्लाह से। तो हर चीज़ की दुआ कोई ना कोई होती है, हर चीज़ की। जैसे कि खाना खाते हैं तो हम लोग बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, खाना खाने के बाद की दुआ भी होती है। इस तरह से टॉयलेट जाने की भी दुआ है, हर चीज़ की दुआ है। इस तरह से बारिश की दुआ हो गई, मिरर की भी दुआ है ये। तो ये दोनों दुआ को आप लोग पढ़िएगा, इसका वर्त करिएगा, इसको याद कर लीजिए और दूसरों को भी पढ़ाइएगा। घर में जितने लोग हैं सबको याद कराइए और अपने जो भी दोस्त यार आगाह भाई पड़ोसी रिश्तेदार सबको इस दुआ को शेयर करिए। जितने शेयर करेंगे उतना फ़ायदा होगा सबको और दुआ की फजीलत उठाइए। और हमारे चैनल में नए हों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताया करिए। और एक बेल आइकन दिली क्या बोलते हैं गुजारिश थी आप लोगों से फिलिस्तीन और गाज़ा के हक में दुआ ज़रूर करें जी, बहुत जितना हो सके दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें। इफ्तारी में वो लोग घास का सूप पीते हैं और वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सोशल मीडिया की तरह से बदलता है, तमाम वीडियो आती रहती है, वायरल होती रहती हैं। वहाँ पर सामान लेकर रहने के लिए घर नहीं है, सब मलबे का पूरा शहर ढेर बन चुका है। वो किस तरह से रहते हैं, ना खाना खाने के लिए कुछ खाना कायदे का है, ना पीने के लिए पानी है ठीक तरीके से जैसे हम लोग पीते हैं, और मतलब हर चीज़ की तकलीफ परेशानी है यहाँ पर। तो वहाँ पर हालात बहुत ख़राब है और रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, किस तरह से वहाँ रोज़े रख रहे होंगे लोग, ना लाइट है, ना पानी है, ना खाना है,
और अब तक के सोशल मीडिया की न्यूज़ के हिसाब से कितने हज़ार बच्चे खाली वहाँ पे उनकी जाने जा चुकी हैं। करीबन 13,000 बच्चे मासूम, जो छोटे बच्चे गोद में, कोई चलने वाले, कोई इस तरह से बच्चे जाने जा चुकी हैं, और बड़े, औरतें, बूढ़े, जवान, तमाम लोग मतलब जाने जा चुकी हैं। बहुत ख़राब हालत है वहाँ के। तो दुआ की दरख्वास्त है कि वहाँ के लिए दुआ खूब करें, जितना हो सके दुआ करें, हर नमाजों में दुआ करें, और असर के बाद मगरिब से पहले यानी कि रोज़ा खोलने से थोड़ा देर पहले दुआ ज़रूर मांगा करें। अल्लाह ताला उस वक्त की दुआ ज़रूर कबूल करता है, बहुत ज़्यादा कबूल करता है। और जुमे के दिन भी दुआ मांगा करें मगरिब से पहले, आम दिनों में भी और रोज़ा खोलने से पहले दुआ मांगने में तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। कि अफ्तारी पूरी लगी होती है उस टाइम दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उस टाइम बहुत राज़ी होता है और दुआ को जल्दी सुनता भी है। तो ये थी कुछ बातें आप लोगों को करनी थी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।